हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आई स्पाइस कुक विद अमल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज की रेसिपी है दाल फ्राई, और ये देखिए मैंने ली है अरहर की दाल, तूर की दाल 2 कप। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद हम इसे प्रेशर कुकर में डाल लेंगे और हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तो 2 से 2.5 गिलास पानी हम इसमें ऐड करेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून टर्मरिक हल्दी। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, और प्रेशर कुकर के लिड को बंद करके इसमें 2 से 3 सीटियां लगाएंगे, दाल को बॉईल हो कर लेंगे। अच्छा, गैस ऑन कर दिया मैंने, इसको रख दिया। अब यहाँ पे तड़के का सामान हम ले लेते हैं। तो मेरे पास रेड सूखी हुई चिली नहीं थी, तो मैंने कश्मीरी चिली ले ली है एक। ये गार्लिक है चॉप किया हुआ 1/2 टीस्पून, और इसी में मैंने थोड़ी सी जिंजर को ग्रेट कर लिया है। थोड़ी सी ग्रेट करेंगे, 1/2 इंच के करीब, ज़्यादा नहीं, इस तरीके से बस थोड़ी सी ग्रेट कर लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये आ गई हैं। आप कुछ जैसे कि मैंने ये ले लिया है, यहाँ पे ग्रीन कोरिएंडर लीव्स हैं, हर धनिया है, ग्रीन चिली हैं 4 से 5 चॉप की हुई। ठीक है, टमाटर मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़, और अनियन भी 3 मीडियम साइज़, जिसको मैंने चॉप कर लिया है फाइनली। अच्छा, चिली को मैंने तोड़ लिया है, और 1 टीस्पून अब मैंने यहाँ ज़ीरा लिया है, और 1 टीस्पून ही मैंने मस्टर्ड सीड ले लिए हैं सरसों। तो यहाँ पर अब मैं ले लूँगी एक यूटेंसिल, और 2 बड़े चम्मच मैंने डाले हैं सरसों के तेल के। अब ये जैसे ही गर्म हो जाता है, इसमें हम ज़ीरा, राई, सरसों के दाने, और ये आप सूखी मिर्च को डाल देंगे। साथ ही मैं इसके अब डाल दूँगी मैं चॉप किया हुआ गार्लिक और जिंजर ग्रेट की हुई। अब जैसे हल्का सा ब्राउन होता है, तो इसमें मैंने अनियन ऐड कर दी है, चॉप की हुई अनियन। हम इसमें सारी ऐड कर देंगे, फिर इसको अच्छे से भूनेंगे। ठीक है, तो अनियन को कैरमलाइज मतलब हो जाए, इतना इसको फ्राई करना है। और देखिए, इसमें मैंने साथ में 1/2 टीस्पून हींग भी डाली है अभी, तो इससे अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो अनियन जैसे ही कैरमलाइज होगी, हल्की सी ब्राउन होगी, मैंने यहाँ इसमें ग्रीन चिली ऐड की, और इसको 1 मिनट तक इसको भूनेंगे। और उसके बाद हम यहाँ इसमें देखिए मैं ले रही हूँ कुछ ये धनिया के सीड हैं, साबुत धनिया है, इसको मैंने 1/2 टीस्पून के करीब लिया, और हाथ से क्रश करके मैंने इसको ऐसे इसमें डाल दिया है। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और फिर अब इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं ये टमेटो, और अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेंगे। मतलब ऑयल सेपरेट सा होने लगे तब तक हम भूनेंगे। अच्छा, यहाँ मैं कड़ी पत्ता डालना भूल गई थी, तो जिस वक्त आपने चॉप किए हुए गार्लिक डाले थे ना, उसी वक्त आप ये कड़ी पत्ता डालें। तो अब यहाँ ये चीज़ें भुन गई हैं, तो मैं यहाँ इसमें 1 टीस्पून धनिया लिया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाला है मैंने, और ये 1/2 टीस्पून मैंने लिया है आमचूर पाउडर। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इस वक्त जो है आपको बिल्कुल स्लो, बिल्कुल फ्लेम पर रखना है, लो फ्लेम पर। तो यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून चाट मसाला, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें टर्मरिक ऐड की है। ये 1/2 टीस्पून आ गया हमारा रेड चिली पाउडर, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल दिए हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनती है दाल, आप लोग भी ट्राई करिएगा। सारे स्पाइसेस इसमें मतलब एकदम मिक्स होकर इतना अच्छा सा फ्लेवर आता है ना। अच्छा, यहाँ 1/4 टीस्पून मैंने इसमें सौंफ भी डाली है। ठीक है, तो आपको देखिए इस तरीके से मसाले को पूरा अच्छे से भून लेना है। ये तड़का हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, और दाल देखिए हमारी इस तरह से बॉईल है, बॉईल होकर रेडी हो गई है। ठीक है, अच्छा आप अपनी दाल का ना एक बार आप उसको टेस्ट कर लें कि सॉल्ट कैसा है। अगर आपको कम लगता है तो आप उसमें सॉल्ट थोड़ा और मिला सकते हैं मसाले में। अच्छा, मैं यहाँ कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तो देखिए दाल जो मैंने इसमें पलटी है ना, तो मैं वो इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बस सिंपली दाल को आपको तड़के में डाल लेना है, और ये आपका दाल आपकी बिल्कुल ज़बरदस्ती रेडी है, बन के तैयार है। और ये देखें जी, दाल लाजवाब लग रही है ना, एकदम यमी यमी, और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनती है ये दाल। मतलब आपने ढाबों पे या जहाँ भी मतलब खाई होगी ना इस तरीके की दाल फ्राई, आप सब भूल जाओगे, ये इतनी टेस्टी बनती है ये। तो अब हम इसको कर लेते हैं सर्व, डिश आउट। और ये देखें दाल हमारी लाजवाब सी बिल्कुल रेडी है। हम इसको गार्निश कर लेंगे धनिया की पत्तियों से, और जब दाल बनी है तो हम देसी घी को कैसे भूल सकते हैं। तो ऊपर से हम इसको डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, और क्या ही खुशबू और क्या ही टेस्ट आता है ना देसी घी डालने के बाद। तो लीजिए, हमारी ज़बरदस्त सी दाल फ्राई तैयार है। बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें, और मुझसे शेयर करना ना भूलें। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।